चैप्टर टुडे इट इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। पेज नंबर 109 पर पहले 108 पर जो न्यूमेरिकल्स थे जो बुक के ही एग्जांपल है वो हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। पेज नंबर 109 पर ब्लू कलर में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं 109 एंड 110 ये वाले न्यूमेरिकल्स हम आज सॉल्व करेंगे विद द टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो हम जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कोई भी बस है या कोई भी व्हीकल है अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वहां जीरो हो जाएगी। पेज नंबर 109 तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यू इक्वल टू जीरो। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ता है रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर दैट मीन एक्सीलरेशन उसने दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉरी 0.1 है एंड फॉर 2 मिनट्स तो जो टाइम होगा दैट विल बी 2 मिनट। सबसे पहले यहां जब हम सेकेंड की बात कर रहे हैं तो जो टाइम होगा वो सिमिलरली चेंज करना होगा सेकेंड में दैट वाई 2 × 60 120 सेकेंड होगा जो टाइम हमने चेंज किया है। दो क्वेश्चन पूछे हैं, फर्स्ट है फाइंड द स्पीड एंड सेकेंड द डिस्टेंस। दो चीजें पूछी हैं, एक स्पीड और एक डिस्टेंस। सबसे पहले स्पीड मीन वही यू तो हमें पता है जीरो तो इसने जो पूछा है वो हमसे वी पूछा है तो पहले हमें वी निकालना है और सेकेंड हमसे इसने डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस के भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं हम दोनों में से किसी में भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। सबसे पहले स्पीड वी के बाद यहाँ हो रही है तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से वी इक्वल टू यू प्लस ए टी इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं क्योंकि वी इक्वल टू यू क्या है जीरो ए क्या है 0.1 मल्टीप्लाई होगा टी के साथ 120 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर विल बी 12। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप मल्टीप्लाई करना पॉइंट या मल्टीप्लाई क्लास 8 में खूब किए हैं इसका आंसर आएगा 12 और जब इसके पीछे यूनिट लगाएंगे क्योंकि ये वी है तो इसके पीछे यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली सेकेंड डिस्टेंस डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं आप किसी से भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसी से भी हम रख के वैल्यू निकाली जा सकती है दोनों से ही कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इससे किया जाए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो एस इक्वल टू वैल्यू रखेंगे यू और टी यू जीरो है दैट मीन ये टर्म जो होगी वो जीरो हो जाएगी कहीं भी जीरो होगा जीरो का अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिमिलरली जीरो हो जाता है तो जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो है हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा इसमें आप वैल्यू रख लीजिए हाफ ए क्या है 0.1 और टी स्क्वायर मीन टाइम दो बार लिखना है 120 तो 120 हमें 2 टाइम्स लिखना है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 से अगर एक 120 को डिवाइड करेंगे तो 60 आता है तो एस इक्वल टू अब आपको क्या करना है पहले 120 को मल्टीप्लाई करना है 60 से देन मल्टीप्लाई करना है 0.1 से तो इसका आंसर आएगा 720 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई वाला वर्क आपको करना है डिस्टेंस है दैट्स वाई इसकी यूनिट मीटर है क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो कंप्लीट होता है। मेनली वही काम किया है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो कर देनी है देन इसने बी हमसे पूछा है बी हम फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे वैल्यू एस के पास एस के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं दोनों में से आप किसी में भी वैल्यू रखेंगे आंसर सेम ही आएगा अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो और मल्टीप्लाई आपको ही करना है 120 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 आता है और उसको जब आप 0.1 से करेंगे तो पीछे का एक जीरो हट जाएगा 720 मीटर बचेगा दैट्स द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं
एक ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले ही हमें स्पीड दी हुई है ट्रेन की और ब्रेक्स आर अप्लाइड, दैट मीन मैं पहले बता चुकी हूँ अगर रेस्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट शुरू होता है तो यू जीरो होगी, वी कुछ ना कुछ होगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले चल रहा है बाद में ब्रेक लगा रहा है दैट मीन पहले वाली वेलोसिटी यू है और बाद वाला वी जीरो हो जाएगा, तो दोनों ही आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन में वी है वो जीरो है। Minus 0.5 multiply t square
50 मल्टीप्लाई 50 यू गेट 25। एस इक्वल टू ये हो गया इसका आंसर माइनस, इसलिए क्योंकि यहां माइनस है और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1250, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1250 मल्टीप्लाई 5 595। और जब s में से 1250 में से 595 को मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर आएगा 625। जीरो, ए क्या है 2 और टी क्या है 3।
वी इक्वल टू 3 × 2 = 6 मीटर पर सेकंड नहीं क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में था तो आंसर भी हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो हमें इसे चेंज करने का ऐसा सच कोई नीड नहीं है क्योंकि वहां आंसर भी सेंटीमीटर में था तो आप भी सेंटीमीटर में लिख दीजिए, आंसर हमारा निकल गया। लेकिन अगर आप एक्सीलरेशन यहाँ पर चेंज करेंगे, अगर इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करेंगे तो आंसर यहाँ भी मीटर पर सेकंड में ही आएगा क्योंकि वहां सेंटीमीटर है तो आप यहाँ भी सेंटीमीटर लिख दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, वी ओनली पूछा है इसने, यू जीरो है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ए एंड टी गिवन है जिससे हमने आंसर निकाला है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 m/s² रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 m/s² है। ए इक्वल टू 4 m/s². इसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। सबसे पहले टाइम 10 सेकंड है, आफ्टर स्टार्ट जहां भी आफ्टर स्टार्ट मीन स्टार्ट हुआ है 0 से, दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। और इसे पूछा गया है क्वेश्चन में व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, क्या जो डिस्टेंस होगा वो इसको कवर करना पड़ेगा वो हमें निकालना है s। अब सबसे मेन हमारे पास u है, a है, t है, v नहीं है और s हमसे पूछा है, तो s का पहले हम देख लेंगे। हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं s के, दिस एंड 2as = v² - u². अब हम ये देखेंगे कि मोर सुटेबल कौन सा है। फर्स्ट वाले में अगर आप देखें तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, u, t एंड a। u हमारे पास है, t भी हमारे पास है, a भी हमारे पास है, v की इसमें नीड ही नहीं है। डिस्टेंस पूछा है डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं, मना नहीं है नीचे वाला यूज में नहीं ले सकते, आंसर वही आएगा लेकिन लेंथी हो जाता है प्रोसेस क्योंकि यहाँ पर वी पूछा है। तो दैट मीन आपको सबसे पहले वी निकालना पड़ेगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले आप इससे वी निकालेंगे देन आप इसमें वैल्यू रखेंगे। मैं निकाल के बता देती हूँ, वी इक्वल टू यू क्या है 0, ए और टी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 40, तो 40 m/s ये तो आ गया वी। फिर आप v की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 2 × a क्या है 4 × s v² 40 × 1600 - u², तो u तो 0 तो वो छोड़ सकते हैं। तो s इक्वल टू 4 × 8 और जब 8 इधर आएगा तो डिवाइड में 200 m। तो इस फॉर्मूले से तो हमारा आंसर आया है 200 m क्योंकि ये लेंथी है तो ये करना नहीं है, करना हमें इसी से ही है। लेकिन मैं ये बताना चाह रही थी कि जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो हम यूज में ले सकते हैं, लेकिन अगर हम उस फॉर्मूले को यूज में लेंगे दैट मीन हमारा एक तो लेंथी होगा जो आपका आंसर होगा और आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, वेयर एज यहाँ हमें सिर्फ एक ही चीज निकालनी है। तो s इक्वल टू u क्या है 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, बचा कितना 1/2 at² तो 1/2, a क्या है 4 t² 2 बार, 10 को 2 बार लिखना है 10 × 10 2 × 2 = 4 आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10 = 100 × 200 = 200 m। तो यहाँ हमारा वही 200 m आंसर दो लाइन में ही आ गया, वहां आपको 10 लाइंस लिखनी होगी, कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा जो फॉर्मूला हमारे पास तीन ही फॉर्मूले हैं गिने चुने, उनमें से आपके लिए जो मोर सुटेबल है हमें वो फॉर्मूला यूज में लेना है। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 m/s². सबसे मेन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जब भी कोई भी स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जाता है तो वह ऐसा ही है जैसे ब्रेक सप्लाई होते हैं, वी जीरो करना है आपको क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में फेंकेंगे तो किसी न किसी वेलोसिटी से आप ऊपर फेंकेंगे तो यू कुछ ना कुछ होगा। लेकिन स्टोन
भी इसी बारे में है कि एक स्टोन ऊपर फेंका गया है वेलोसिटी से, डिफाइन वेलोसिटी है विच इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड, दैट मीन स्टार्टिंग वेलोसिटी जो होगी u जो होगा इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, ऊपर जब मैक्सिमम हाइट जितनी भी डिस्टेंस को कवर करेगा वो हमें अभी इस क्वेश्चन में निकालनी है। ऐसा हो, यही क्वेश्चन हो या ऐसा ही कोई और क्वेश्चन हो, सब में आपको v जीरो ही रखना है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो स्टोन ऊपर जाता है तो वहां कुछ लिमिट के बाद एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वहां थोड़ी देर वो रुकता है, देन वो अगेन नीचे आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नीचे आता है वो बात अलग है, क्वेश्चन हमारा इस बारे में है कि 5 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर गया है, दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 5 मीटर पर सेकंड होगी, स्टार्ट हमने 5 मीटर पर सेकंड से किया है। इसके बाद है इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये मैंने याद रखना है कि जो एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन माइनस आएगा, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन जब अपोजिट होगी, क्योंकि हम किसी भी स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, दैट मीन अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो वहां माइनस लगाएंगे। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। अब हाइट पूछा है, दैट मीन कि नीचे से कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा, तो वो वही बात है, डिस्टेंस बोल लीजिए, हाइट बोल लीजिए, दैट मीन कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितनी हाइट तक पहुंचेगा। डिस्टेंस पूछा है हमसे, एक तो एस पूछा है, एंड नेक्स्ट क्या पूछा है, सेकंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और जितना भी पहुंचेगा कितना टाइम लगाएगा वहां तक पहुंचने में, दैट मीन हमें टी भी निकालना है। तो हमारे पास यू और ए है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ जब भी कोई स्टोन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर जाएगा वहां कुछ सेकंड्स के लिए वो जीरो होता है, दैट मीन फाइनल वेलोसिटी जो होगी वहां जीरो होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो कंक्लूजन ये है कि या तो ब्रेक लगाए या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो यू कुछ ना कुछ होगा, वी जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वहां यू जीरो होगा और वी कुछ ना कुछ होगा। तो आपको इनडायरेक्टली दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास दो चीजें हैं, आपको एस निकालना है एंड टी निकालना है। सबसे पहले टी इजी है, फर्स्ट फॉर्मूला वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी क्या है जीरो, यू फाइव, ए क्या है -10, तो यहाँ माइनस आ जाएगा -10 मल्टीप्लाइड टी, ये माइनस की वैल्यू, अगर माइनस की वैल्यू इधर आती है तो प्लस में आ जाएगी, तो 10 और टी प्लस में हो जाएगा 5 यही की, तो t इक्वल टू 5 अपॉन, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, 10 अपॉन 5 नहीं करना है, 2 हो जाएगा, 5 वही रहेगा, 10 मल्टीप्लाई में, दैट्स व्हाई ये डिवाइड में जाएगा, तो आंसर आएगा 0.5, एक जीरो है नीचे से पॉइंट लगा दी, 0.5 सेकंड्स। तो एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है, इसने हमसे टाइम पूछा और डिस्टेंस पूछा है, तो टाइम तो हो गया 0.5 सेकंड, एंड इसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब आपके पास डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इससे निकाल सकते हैं, या फिर 2 ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसी से भी निकाल सकते हैं, हम इससे निकालेंगे। रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ एक टर्म जीरो हो जाए, जैसे कभी कभी यू जीरो होगा इन जिस क्वेश्चन में भी यू जीरो होगा, हाँ अच्छा होगा आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि यू टी यू जीरो होते ये टर्म जीरो हो जाती है, सिर्फ हमारे पास इतना ही बचता है सॉल्व करने के लिए। यहाँ हमारे पास वी जीरो है, दैट मीन हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, सिर्फ इतना ही सॉल्व करने के लिए बचेगा। इसमें आपको लेंथी हो जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम भी 3 बार है, 1 बार इधर 2 बार इधर, टाइम पॉइंट में आपका पॉइंट का कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट्स व्हाई ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जाए। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ये वाला हम यूज कर लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई ए माइनस 10 मल्टीप्लाई एस हमें निकालना है, वी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 10 टू जो माइनस 20 एस, और ये जीरो हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, माइनस से माइनस कैंसिल, एस इक्वल टू 25 अपॉन 20,
20 डिवाइड में जाएगा, 5 से करेंगे 5 5 25 5 4 20, 5/4, और अगर आप इसको पॉइंट में सॉल्व करेंगे देन आंसर आएगा 1.25 मीटर, 1.25 मीटर जब आप डिवाइड करेंगे 5/4। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट हमने टी में टाइम निकाला, सेकंड हमने एस निकाल लिया उस फॉर्मूले से, और अगर आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले से भी एस निकाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट होते हैं। लास्ट जो टॉपिक बचता है पेज नंबर 110 पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये टॉपिक बचा है। बुक में ये टॉपिक बहुत बड़ा दिया हुआ है लेकिन इतना नहीं आता है, ओनली डेफिनेशन और दो एक लाइन आप इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, इफ ए दो पॉइंट बना लेंगे, दो ही पॉइंट लिखेंगे ओनली, इफ ए बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं आप, इज मूविंग इन ए सर्क्यूलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मोशन वर्ड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। डिफरेंस क्या आता है, ओनली सर्क्यूलर। सर्क्यूलर मीन कि अगर जो भी मोशन है वो सर्कल में हो रहा है और यूनिफॉर्मली हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। दैट मीन कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरह से एक सर्कल की तरह ही घूम रहा है, वहां पर जो वेलोसिटी होगी या जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। ओनली डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, बाकी डेफिनेशन के बाद एक सेकेंड पॉइंट और लिख लेते हैं। इन सच ए मोशन द स्पीड मे बी सेम चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे हम, जिसमें से
सारे क्वेश्चंस की बजाय हम जो मेन क्वेश्चंस होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे, ओनली वही सॉल्व करेंगे।